गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज वीडियो पार्ट 7 ऑफ क्लास 7th मैथ्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। आपको क्या करना है, ये जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं फ्रैक्शन के, उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, उनको डिवाइड करके आपको क्या करना है, लोएस्ट सबसे छोटे फॉर्म में लेके आना है एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। और लास्ट में जो आपको आंसर होगा उसको आप क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो आइए, यहाँ पर आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 10 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बाकी कोई क्वेश्चन आप होमवर्क में घर पे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि न्यूमिनेटर यहाँ दिया हुआ है 7 का और इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर में 1 एज ए डिनोमिनेटर यूज़ करेंगे। अब सारे क्वेश्चन में ऐसा करना है आपको, जहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं गिवन होगा वहाँ पर आप 1 जो है एज ए डिनोमिनेटर लिखेंगे। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं या फिर कट कर सकते हैं, कैसे, एक सेम टेबल से, एक सेम नंबर से कट कर सकते हो। और आप यहाँ देख सकते हो कि तीनों जो नंबर्स हैं 7, 3 एंड 5, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर एक दूसरे से जो है डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमें अब क्या करना है, डिवीज़न अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे। और मल्टीप्लीकेशन करने का क्या रूल है, आप न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से करेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। ओके, 7, 3 जा 21, 1, 5 जा 5, राइट। अभी आप देख रहे हैं कि आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो जब आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, मीन्स आपको 21 का डिवाइड करना है 5 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो 4 होल 1/5, और ये आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हो कि 20 के पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 डिनोमिनेटर में ले लेंगे। अभी हम क्या कर सकते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, आप ये दोनों को भी चेक कर सकते हो, इनको भी चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो 20 और 5, ये दोनों नंबर्स जो हैं कौन से नंबर के टेबल में आते हैं, 5 के, राइट। तो हम 5 से दोनों नंबर्स को कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ओके, अभी जो हमने डिवाइड कर लिया, अब वापस कोई डिवाइड होने वाला नहीं क्योंकि न्यूमिनेटर में दोनों जगह पर 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 4 4 जा 16 एंड 1 1 जा 1, और 16/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 16। आपको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो पार्ट। थैंक यू।